नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव योजना के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा को अध्यक्ष जिला पंचायत उषा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा, जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख दुबेपुर शिल्पा सिंह, ब्लॉक प्रमुख बल्दी राज शिव कुमार सिंह सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी गणों द्वारा जिला प्रशिक्षण केंद्र दुबेपुर परिसर से हरी झंडी दिखाकर अमृत कलश यात्रा को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अमृत वाटिका निकट झूलेलाल पार्क गोमती तट लखनऊ के लिए रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में पल्लवी नाट्य सामाजिक संस्था के कलाकारों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अमृत कलश यात्रा में जनपद सुल्तानपुर से कुल 19 अमृत कलशों को नेहरू युवा केंद्र व जिला युवा कल्याण विभाग के वॉलेंटियर्स द्वारा भव्य रूप से सजाए गए वाहन के साथ अमृत कलश यात्रा प्रारंभ हुई। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा इसी प्रकार 30 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त ब्लॉकों नगर निकायों के अमृत कलश यात्री स्वयं सेवक जनप्रतिनिधि स्थानीय पारंपरिक परिधानों में प्रदेश का गरिमामय प्रतिनिधित्व करेंगे। यहां भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन व पंच प्रण की शपथ दिलाई जाएगी। यहाँ का कलश कुछ अलग तरह का है, विशेष आकर्षण है इस कलश का, तो क्या है, क्या खासियत है इस कलश की? इस कलश की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इस जिले की जो पूरा टीम वर्क था, जो एक समन्वय और एक सामंजस्य के साथ यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया और जिस तरीके से भांति भांति से लोगों ने अपने विभिन्न आइडियाज़ दे करके इसको सकुशल संपन्न कराया, उसी की जो झलक है वो यहाँ पर आपको इसके यूनिक कलश में आज नज़र आ रही है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।